तो गाइस रात को 4 बजे यहाँ पर आया था। एक्सप्रेसवे है सामने, ये आप देख रहे हैं। और इस एक्सप्रेसवे पर मैं मेरठ से के बाद में जब चढ़ा था तो एकदम से मुझे पता नहीं था, और मैं यहाँ पर आ गया और यहाँ पर कोई चार्जिंग का कोई सिस्टम नहीं था, कोई ढाबा वगैरह नहीं था, तो मेरे बैटरी ख़त्म हो गई। यहाँ पर देखें आप, एयर इंडिया का जहाज़ खड़ा हुआ है और कोई रेस्टोरेंट टाइप से बनेगा यहाँ पर आने वाले टाइम में। तो ये रेस्ट एंड सर्विस एरिया है। अभी हम यहाँ से वापस से जा रहे हैं ऊपर। हमने अपना स्कूटर रात को 4 बजे आके यहाँ पर लगाया है, वो खड़ा हुआ स्कूटर, और यहीं पर थोड़ी देर रेस्ट की थी मैंने। और अभी निकलते हैं आगे के लिए। अंकल जी मिले थे यहाँ पर, ये भैया मिले थे, इन्होंने हमारा स्कूटर चार्ज लगवा दिया। ठीक है तो अंकल जी चलते हैं। कोई बात नहीं, चाय वाय तो रहने दो, आपने इतना कर दिया बहुत है, चाय अब आगे ढाबे पे पियेंगे कहीं पर। तो ये सामने रेस्टोरेंट बनेगा, एयर इंडिया का जहाज़ खड़ा हुआ है यहाँ पर। और अभी हम वापस से चलते हैं अपनी मंजिल पर। इधर वर्क प्रोग्रेस चल रहा है, तो मैं रात को यहाँ पर आ गया था गलती से। मुझे लगा कि यहाँ पर रेस्ट एंड सर्विस एरिया है तो चार्जिंग मिलेगी, लेकिन अभी तो यहाँ वर्क प्रोग्रेस था। फिर भी मैंने उधर उस जगह पर रिक्वेस्ट करी उनसे, और ये मोनी जी एंटरप्राइजेज, तो इनसे रिक्वेस्ट करी थी। अभी वापस से अपन अपनी मंजिल पर चलते हैं। 6:56 हो रही हैं और सुबह सुबह की धूप देखें आप, सुबह का सूर्य देवता के दर्शन हो गए हैं हमें। एक्सप्रेस वे पर चढ़ गए थे हम रात को इस पर। और अभी वापस से अपनी मंजिल पर चलते हैं। रात को अगर यहाँ पर चार्ज नहीं होता तो मुझे नहीं लगता कि इस एक्सप्रेस वे पर आगे कोई पॉइंट था, तो बड़ा क्रिटिकल सी सिचुएशन होने वाली थी रात को। ये है मेरठ दिल्ली एक्सप्रेस वे। सो गाइस अभी यहाँ से दिल्ली रह गई है 31 किलोमीटर, और यहाँ पर पलवल आगरा के लिए एग्जिट है 3 नंबर, और सोनीपत के लिए एग्जिट है 4 नंबर, इसी जगह से है जहाँ से दिल्ली 31 किलोमीटर है। और अभी हम चलते हैं सीधे। एग्जिट नंबर 5 है गाज़ियाबाद, नोएडा, अलीगढ़, 1 किलोमीटर है यहाँ से। दिल्ली यहाँ से रह गया है 27 किलोमीटर है, और नोएडा 15 किलोमीटर, फरीदाबाद है 60 किलोमीटर। फिर 45 किलोमीटर, अलीगढ़ 115 किलोमीटर है, और दिल्ली है 23 किलोमीटर। कल दोपहर को हम करीब 2 बजे नीलकंठ महादेव मंदिर से चले थे, और अभी सुबह के 7:19 हो रहे हैं, मतलब करीब 8 बजे के आसपास हम दिल्ली पहुंच जाएंगे, 7:45 के आसपास। गाजीपुर के पास में से ये एग्जिट पॉइंट है, तो यहाँ से एग्जिट लेके और अभी हम जाएंगे दिल्ली जयपुर हाईवे पर। मुझे तो खैर पता नहीं है, गूगल मैप के अकॉर्डिंग चल रहा हूँ मैं, 42 किलोमीटर शो कर रहा है गूगल मैप यहाँ से, और गुड़गांव आ गए हैं। ये पुल के ऊपर लिखा हुआ है अक्षरधाम सेतु, और इसके नीचे से निकल रहे हैं सराय काले खां फरीदाबाद, लेफ्ट साइड में है राजघाट ITO, राइट साइड में है, तो हमें जाना है लेफ्ट साइड में। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा लेफ्ट साइड में है, 24 किलोमीटर है यहाँ से। सो गाइस यहाँ पर हमें
मिला है ये कि इलेक्ट्रिवा का चार्जिंग पॉइंट दिल्ली में है, धौलाकुआ इंडिया गेट। धौलाकुआ जाना है हमको सीधे स्ट्रेट सामने। और जो ये पीछे भी चार्जिंग स्टेशन था उनका जो एप्लीकेशन था वो मुझे डाउनलोड नहीं हुआ मेरा मोबाइल में, तो इसलिए चार्ज नहीं कर पाया। और ना आपको भी दिखाता किस तरीके से वर्क कर रहा है। सुबह के 8:37 हुए हैं और अभी हम हैं धौलाकुआ दिल्ली में, और यहाँ से अब जा रहे हैं गुड़गांव। 46 किलोमीटर की बैटरी है, आई थिंक गुड़गांव तक तो पहुँच ही जाएंगे। उससे पहले कोई चार्जिंग पॉइंट मिलेगा वहाँ पर चार्ज करके देखेंगे, अगर थोड़ा बहुत चार्ज हो जाएगा तो। 1 बज रहा है दोपहर का, अपनी स्कूटी हो गई है चार्ज और यहाँ से निकल रहे हैं। महिपालपुर है और यहाँ से निकलते हैं अब। ये हमारे भैया है मनोज भैया, इनके पास हम यहाँ पर लगाई थी चार्जिंग स्कूटर, और आपको दिखाते हैं कितने परसेंट हो गया अपना स्कूटर चार्ज। अभी निकल दिए हैं यहाँ से, दिल्ली से निकले हैं, 1 बज रहा है। तो अभी हम हैं महिपालपुर फ्लाईओवर के पास में हैं, महिपालपुर फ्लाईओवर के नीचे हैं, और यहाँ से जा रहे हैं जयपुर के लिए। हमारी ट्रिप का आज ये आखिरी दिन है, मोस्ट प्रोबेबली 240 किलोमीटर है, और कोशिश करेंगे आज रात तक जयपुर पहुँच जाएँ। आप सामने बोर्ड देख रहे हैं ऊपर, गुड़गांव जयपुर। तो इधर से अभी राइट में से अंदर लेंगे और चलते हैं जयपुर हाईवे पर। इधर है राइट हैंड साइड में इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा टर्मिनल 3। गुड़गांव जयपुर स्ट्रेट है, रजोगनी कापसहेड़ा लेफ्ट हैंड साइड में है। 229 किलोमीटर है यहाँ से जयपुर। अभी इतना चौड़ा रोड मैंने अपनी लाइफ में इंडिया में नहीं देखा। गजब का व्यू आता है यहाँ से देखने में। तो गाइस आज हमारे ट्रिप का आखिरी दिन है, छठा दिन है। 48 किलोमीटर आ गए हैं और 88 किलोमीटर की बैटरी बच रही है, और हम जब चले थे उस टाइम 123 किलोमीटर की बैटरी शो हो रही थी। तो अभी देखा जाए तो 136 किलोमीटर हो चुके हैं टोटल। अगर देखें टोटल 136 किलोमीटर हो चुके हैं, 123 पर हम लेके चले थे, मतलब 13 किलोमीटर प्लस हो गए हैं इसकी एवरेज के हिसाब से। दिल्ली से जयपुर आते टाइम ये सेकंड टोल है, इसके बाद एक टोल आएगा मनोहरपुर वाला। ये वाला टोल अराउंड 130-140 रुपए के आसपास का है। यहाँ से 7 किलोमीटर है नीमराना, नीमराना स्टे करेंगे अभी, और स्कूटर की बैटरी को पहले एक बार फुल करेंगे फिर आगे के लिए निकलेंगे। अभी मैं हूँ जयपुर से करीब 71 किलोमीटर दूर हूँ, रात के 12 बजने वाले हैं, और अभी यहाँ से जयपुर के लिए निकल रहा हूँ। स्कूटर चार्ज हो गया है, पीछे खड़ा है, और करीब 71 किलोमीटर के बाद में आज का ट्रिप हमारा ख़त्म होने वाला है। तो ये जो हमारी जर्नी थी जयपुर से देहरादून मसूरी की, उसके बाद में वापस देहरादून मसूरी से जयपुर की जर्नी कैसी लगी आपको कमेंट करके बताएं। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताएं, अच्छा लगा हो तो लाइक करें शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सो आई राइट नाउ अभी मैं हूँ राजा पार्क के पेट्रोल पंप पर। तो अभी हम लोग आ गए हैं वापस से अपने घर पर।